इन दिनों रणजी ट्रॉफी के मुकाबले चल रहे हैं, सेमीफाइनल मुकाबले, और केएल राहुल मुख्य आकर्षण रहे कर्नाटक और बंगाल के मुकाबले के बीच, लेकिन उनकी एक नहीं चली। पहली पारी में वो मुकेश कुमार, जो कि मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, दाएं हाथ से मध्यम गति की तेज गेंदबाजी करते हैं, उनके हाथों उनकी गेंद पर वो आउट हो गए। केवल 26 रन वो बना पाए और दूसरी पारी में उनका वो दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाए, और उन्हें ईशान पोरल, जो कि मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं और इंडिया ए की ओर से भी अपनी चुनौती रख चुके हैं, उन्होंने आउट किया केएल राहुल को। तो इस तरह से केएल राहुल खाता भी नहीं खोल पाए, शून्य पर आउट हुए, और जिससे पहली पारी में बंगाल की टीम को बढ़त हासिल हुई 90 रनों की कर्नाटक के खिलाफ, और उसने कर्नाटक को जीत के लिए लक्ष्य रखा है 352 रन का। और देवदूत पद्दिकल, जो कि अभी तक चल नहीं पा रहे थे काफ़ी लंबे समय से, लेकिन उन्होंने मौके पर चौका लगाया और वो हाफ सेंचुरी बनाकर अभी नॉट आउट हैं, और उनके साथ मनीष पांडे भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही रोमांचक मुकाबला है, और ये दोनों अभी क्रीज पर डटे हुए हैं। और वहीं अगर हम दूसरे मुकाबले की बात करें, जो कि राजकोट में खेला जा रहा है, और वहां सौराष्ट्र को बढ़त हासिल हुई गुजरात के खिलाफ, 52 रन की बढ़त हासिल हुई, और उसके बाद जो है उसने सौराष्ट्र ने 66 रन में 5 विकेट खो दिए, अहम 5 विकेट सौराष्ट्र ने खो दिए। तो ये एक तरह से यहाँ भी मैच बहुत ही रोमांचक हो गया है, और जो इसके जो कर्णधार थे, जो क्षतिग्रस्त किया बुरी तरह से इस टीम को, चिंतन गाजा, दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज, उन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं इस पारी के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।